हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो होने वाली है एक हॉल वीडियो। सो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ स्लिंग बैग्स हॉल, जो काफ़ी ऐसे आते हैं कि आप थोड़ा अफोर्डेबल हॉल भी बनाया करो। तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने हर रेंज के बैग्स मंगवाए हैं, स्लिंग बैग्स, और मैं अपना ओपिनियन आप लोग को दूंगी और डेफिनेटली मेरा जो फेवरेट होगा वो भी बताऊंगी। एंड टू माई सरप्राइज बहुत सारे ऐसे बैग्स हैं जो बहुत अफोर्डेबल रेट में है बट स्टिल बहुत अच्छे आए हैं। सो येस, विदाउट फर्दर अडू, लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट बैग के तरफ। सो दिस इज द स्लिंग बैग, जो कि काफ़ी स्टर्डी है। स्टर्डी इन द सेंस मीन्स मतलब वो ऐसा हो जाता है ना, ऐसे लुंज पुंज हो जाता है, ढीला ढीला सा रहता है, वैसा नहीं है। इट्स वेरी स्मार्ट एंड वेरी स्टर्डी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब न्यूट्रल कलर है, हर तरह के ड्रेस पे जाएगा, इंडियन वेस्टर्न आप सब पे उसको पहन सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये ऐसे ओपन होता है एंड अभी तो काफ़ी सारे पेपर्स भरे हुए हैं इसके अंदर और एक ही कंपार्टमेंट है, दैट्स इट। अंदर कोई जिप वगैरह नहीं है। सो काफ़ी अच्छा है, मतलब आपका मोबाइल, आपका वॉलेट और छोटी मोटी चीज़ें, आपका मेकअप का सामान इसमें आ जाएगा। आउटिंग पे जा रहे हैं, नाइट आउटिंग पे जा रहे हैं, उसके लिए आप इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है जितना इसका प्राइस है। कमिंग टू माई सेकेंड बैग, ये एक्चुअली मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया जैसे उन्होंने ये देखा, बिकॉज ये काफ़ी छोटा सा, मम्मी लोगों को होता है ना, उनको ऐसा चाहिए रहता है कि वो सब्जी वब्जी लेने जा रही है या आसपास मंदिर वगैरह जा रही है, तो उनको सिर्फ इतना सामान रखना होता है, वो सिर्फ मोबाइल रखती हैं एंड साथ में उनका जो स्पेक्स वो लगाती हैं वो रखती हैं और थोड़े बहुत कैश रखती हैं, दैट्स इट। शी डजंट यूज वॉलेट एंड ऑल। सो उनको ये बहुत पसंद आया, ये इस तरीके से हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इतना अफोर्डेबल है, बट इसमें जिप वगैरह यूज़ करी वो सब रोज गोल्ड कलर की है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी देख करके। दो सिर्फ जिप दिए हुए हैं, एक तो ये है, आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह आ जाएगा, और दूसरा जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपकी कीज वीज, मतलब ऐसा छोटा मोटा सामान के लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये। नाउ कमिंग टू माय थर्ड बैग, दिस इज माय फेवरेट अभी तक के जितने भी पूरे कलेक्शन में, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, मतलब बहुत ही स्टर्डी है। आप नीचे देखिए, यहाँ पर फोर उन्होंने एक बीट्स लगा रखे हैं कि आप इसको कहीं नीचे वगैरह रखते हो तो ये गंदा ना हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जितने भी ये चेन, जिप वगैरह, हैंडल्स हैं, सब कुछ इन रोज गोल्ड कलर है, जो कि बहुत क्लासी दिखा रहे हैं। और इस तरीके कलर का मेरे पास कोई बैग भी नहीं था, मैं यूजुअली ब्लैक कलर ही यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंपार्टमेंट, जो कि काफ़ी गहरा है। द सेकेंड कंपार्टमेंट, लुक एट दिस, और ये इसका बेल्ट है, तो आप इसको बेल्ट को लगा करके आप एज अ स्लिंग साइड बैग कैसे भी इसको कैरी कर सकते हैं। आई रियली लाइक दिस बैग। नाउ कमिंग टू माय फोर्थ बैग, इज दिस अगेन स्लिंग बैग ही है। ये सारे मैंने स्लिंग बैग्स ही मंगवाए हैं, मतलब मैं पैटर्न ही स्लिंग बैग का रख रही हूँ। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पार्टी वेयर टाइप का है, अच्छी सेक्शनिंग दी हुई है, मतलब काफ़ी सारा छोटा मोटा सामान, पैसे वगैरह, मतलब बहुत सारा सामान आ जाएगा इसमें, बहुत ही सारा सामान आ जाएगा, तो आप अच्छे से कोई स्मार्ट से ड्रेस में इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये कैजुअली भी कैरी कर सकते हैं, पार्टी वेयर में भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और सबसे बेस्ट चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने जो चेन दी हुई है ना, वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और साथ में जो ऊपर स्ट्रैप है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड पर्सनली मुझे बैग्स में ब्लैक कलर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट बैग, इज दिस वन। सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऐसे स्मार्ट सा है। मेरे पास एक इस तरीके का ना बहुत छोटे बैटन में ज़ारा का था, जो कि पील ओढ़ने लगा था वो यहाँ से, तो उसको मैंने निकाल दिया है। तो दिस इज़ दैट बैकअप, मतलब आप ड्रेसेस वगैरह पे कैरी कर सकते हो एंड डेनिम्स वगैरह में भी आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। काफ़ी स्पेशियस है ये, देखिए यहाँ पर दो कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, बीच में एक जिप दिया हुआ है, तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर भी एक वो दिया हुआ है, आप इसको एज अ स्लिंग भी बना सकते हो एंड आप चाहो तो इसको शोल्डर बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल अच्छा लगा, बस इसकी एक स्मेल है जो मुझे थोड़ी बॉदर कर रही है, जो कि चली जाएगी थोड़े टाइम में, आई थिंक बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है तो शायद इस वजह से आ रही है। कमिंग टू माई लास्ट बैग, इज स्लिंग बैग ही है बट स्लिंग बैग का थोड़ा बड़ा वर्जन है। दिस इज़ फ्रॉम द बैगेट, मुझे बैगेट के बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है इनकी और काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। सो ये है एक्चुअली ये स्लिंग बैग है, आप इसको स्लिंग की तरह, इसको छोटा करके आप शोल्डर की तरह कैरी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कैरी कर सकते हो। मतलब ये इट्स लाइक एन ऑफिस बैग, अगर आप ऑफिस भी जाते हो ना और लैपटॉप वगैरह का नहीं कैरी करते हो तो आप डेफिनेटली इसको कैरी कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास ये वाटर बॉटल है, अब मैं इसको इसमें रख के बताती हूँ, बहुत आराम से फिट इन हो जाती है ये, देखिए ठीक है। उसके बाद इसमें दो ऐसे कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, एक बीच में जिप दिया हुआ है और पीछे यहाँ पर एक और जिप दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी लाइट वेट, इवन इफ यू आर नॉट एन ऑफिस गोइंग पर्सन एंड यू वांट थोड़ा स्पेशियस बैग हो, बट स्टिल आप उसको हर तरीके से कैरी कर सकते हो, दिस इज द बैग फॉर यू। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला बैग भी। इट्स माई लास्ट बैग, तो यही कुछ छः ऑप्शन थे
जो मुझे अच्छे लगे और रेंज वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। हर तरह की रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, आप चेक कर लीजिएगा एंड आप बताइएगा कि आपको कौन सा बैग बहुत अच्छा लगा है। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।